नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं विंडोज INS रोडवेज आजमगढ़। UPVC विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विदांता हॉस्पिटल लक्ष्रामपुर आजमगढ़ और वुडन टेस्ट भवरनाथ आजमगढ़। रविवार को माघी संघटी गणेश चतुर्थी का पर्व जनपद में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ संपन्न हुआ। पर्व के निमित्त व्रती माताओं ने जहां श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा तो वहीं नगर के बड़ा गणेश मंदिर पहुंच गजानन की पूजा अर्चना कर अग्रपुष्प देव भगवान गणेश से अपने पुत्रों के दीर्घायु होने की कामना की। तीन सिद्ध गणेश पीठों में से एक बड़ा गणेश मंदिर में एक दंत दयावंत के दर्शन को अहले सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगती नजर आईं। यहां उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध सुनिश्चित किए गए थे। लंबी बड़ी कतारों में लगकर माताओं ने महादेव के पुत्र विद्या बुद्धि वारिद के स्वामी भगवान गणेश का दर्शन पूजन किया। दुर्वा फल फूल मोदक लड्डू तिल के मिष्ठान गंजी गाजर पान सुपारी सहित तमाम चीजें समर्पित कर उनका विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन किया। मंदिर के महंत पंडित राजेश मिश्रा ने बताया कि पर्व पर मंदिर में खूबसूरत व अभूतपूर्व साज सजावट की गई थी। यहाँ भगवान गणेश के जन्मोत्सव की खुशी पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन पूर्ण हुआ है। माघी संक्रांति चौथ भगवान गणेश जी के जन्म के प्रसंग से जुड़ा हुआ है। इस दिन महिलाएं व्रत रहती हैं और अपने पुत्र के लिए दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। क्या यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, कब तक चलेंगे, कहाँ कहाँ? आज अभिषेक और आरती के बाद दर्शन पूजा चलता रहेगा। 8:19 पर चंद्रोदय के समय अर्घ दे करके महिलाएं व्रत तोड़ेंगी और सभी लोग दर्शन पूजा प्रसाद ग्रहण करेंगे। सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में आजमगढ़ स्पोर्ट्स सोसाइटी द्वारा आयोजित स्वर्गीय वसीम अहमद व स्वर्गीय योगेंद्र प्रताप सिंह मेमोरियल बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन रविवार शाम को मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत व DIG सुभाष चंद्र दुबे द्वारा खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह व नगद पुरस्कार वितरित कर किया गया। इस 3 दिवसीय पूर्वांचल ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल में मनीष सिंह ने अजय यादव को 22-20 19-21 21-18 से पराजित करके विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। वहीं पुरुष युगल में दीपक सिंह व उनके पार्टनर ने अजीत विश्वकर्मा व साहिल की जोड़ी को 26-24 22-20 से हराकर विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। पुरुष वेटरन में शक्ति शर्मा व मुदित रुंगटा की जोड़ी ने सुभाष चंद्र दुबे व रजनीश यादव की जोड़ी को 18-21 21-15 व 21-15 से हराकर विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि खेल समाज को जोड़ने व विकृतियों से दूर रहने का सबसे उपयुक्त माध्यम है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इस तरह के आयोजन और ज्यादा संख्या में होते रहने चाहिए। DIG सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि इस आयोजन से संस्था ने कई सोई हुई संस्थाओं को जगाने का कार्य किया है। संस्था बधाई की पात्र है। ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। संस्था सचिव शक्ति शर्मा ने सभी खिलाड़ियों और सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि आगे भी हमारी संस्था इस तरह के आयोजन करके खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर देती रहेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में जिले का कोई भी खिलाड़ी प्रदेश राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजेता उपविजेता होता है तो संस्था उसे नगद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करेगी। Yeah.
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीति चरम पर है। वहीं वोटरों के नाम जोड़ने व काटने को लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें सरकारी कर्मचारियों की भी मिलीभगत लगातार सामने आ रही है। आजमगढ़ का बलिया कल्याणपुर गांव, जो कि विकासखंड बिलेरियागंज व कुरई ग्राम सभा विकासखंड महाराजगंज में स्थित है, वहां के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि गांव में वोटर लिस्ट में काफी हेराफेरी की गई है। इसमें लेखपाल बिल्लो और निवर्तमान प्रधान परिवार की मुख्य भूमिका है। बताया कि बलिया कल्याणपुर में 250 नामों को वैध तरीके से काटने के लिए दिया गया था, लेकिन मात्र 125 लोगों का ही नाम काटा गया, जबकि जो लोग गांव के निवासी हैं उनका भी नाम काट दिया गया है। 400 नामों के सुधार का आवेदन किया गया था, लेकिन 46 का ही हुआ। आसपास के गांव के करीब 50 लोगों का नाम इस ग्राम सभा में जोड़ दिया गया है। इसके अलावा मृतक विवाहिता नाबालिग करीब 170 लोगों का नाम अभी भी जुड़ा है। निवर्तमान प्रधान सावित्री यादव के पति भीम यादव को जिताने के लिए सारे काम लेखपाल बेलो व लेखपाल की तरफ से किए गए हैं। कुढ़ई ग्राम सभा में 250 वोटरों का नाम ही काट दिया गया। नाम बताइए। मिर्जा सिराज बेग। आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरीके की समस्या लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय? ग्राम सभा बलिया कल्याणपुर। हम जो है यहाँ अपने ग्राम सभा के मतदाता सूची के संबंध में जिला अधिकारी महोदय से अपनी बातें कहना और उस पर जो है, क्योंकि बियलो और ग्राम सभा प्रधान पति भीम यादव द्वारा ये दोनों लोगों की मिली भगत से तकरीबन 400 नामों को काट दिया गया है, जो 2020 में प्रकाशन जो लिस्ट हुई थी और 2021 में जो आई है उसमें से भी निकाल करके 2021 में भी काट दिया गया है। लगभग 250 नाम ऐसे हैं जो मृतक और विवाहित और अन्य ग्राम सभा और सभी के सभी लोग जो बाहरी ग्राम सभा के हैं, सब यादव जाति के हैं, क्योंकि यादव ही प्रधान है, वो उसका लाभ लेते हुए सिर्फ यादव जाति के लाड़ो ग्राम सभा, बनकट ग्राम सभा, मैगापुर ग्राम सभा, सदर तहसील में पड़ता है बिलरिया ब्लॉक में एक सोनाबर गांव ग्राम सभा है। मुख्य रूप से आपकी मांगे तो मुख्य रूप से है कि जो उसमें जो डबल नाम और मृतक जो पड़े हैं, जो विवाहित हो गए हैं वो अपने घर चली गई हैं, और जो उनको निकाला जाए, जो दूसरे ग्राम सभा से है जो इसमें आया उनको निकाला जाए, और बियलो पर जो FIR दर्ज की जाए जो गलत तरीके से नाम को काटा है और जो दूसरे ग्राम सभा से ला करके उसमें जोड़ा है। अच्छा, आपका आरोप है कि क्या मतलब बियलो द्वारा जिनका नाम काटा गया है वो जीवित हैं और अविवाहित हैं, इस तरीके से है जी? तो आज आश्वासन क्या मिला है अधिकारियों की तरफ से आपको? क्योंकि इसको लेकर के पहले हम तहसील सगड़ी में वहाँ अपने विज्ञापन हमने उनको सौंपा, लेकिन वहाँ कोई जो है रिस्पांस नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही,
और उसको उसी को लेकर के हम डीएम साहब से मुलाकात करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी यह आने के बाद ये पता चला कि वो निकल गए हैं, लेकिन हम उनका वेट करेंगे और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम 2 से 4 दिन के अंदर पूरे ग्रामीण को ला करके यहाँ बैठाएंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा है, मैं ग्राम सभा बलिया कल्याणपुर का मूल रूप से निवासी हूँ। और जिलाधिकारी क्या है? हम लोग जिला अधिकारी के आए हैं और वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी हुई है बीएलओ द्वारा मनमानी की गई है उसमें बहुत से नाबालिग बच्चों का नाम चढ़ गया है, 15-15 साल का, जिनकी आईडी हम लोगों के पास है और हमारे घर के प्रत्याशी रही हैं 2015 में, उनका भी नाम काट दिया गया है बीएलओ द्वारा, इतनी मनमानी की गई है। 3 बार लिस्ट आई और तीनों बार में तीन तरह आरोप का। हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो नाम सही है उनको जोड़ा जाए और गलत नाम को निकाल दिया जाए। जो अन्य ग्राम इससे लगभग हम लोगों के 350-400 नाम लगभग प्रभावित हुए हैं जी। तो क्या हवाला देके सब कटवाया गया है, सिर्फ नाबालिग या फिर कुछ और भी? नहीं, मृतक किसी को मृतक दिखा दिया गया, किसी को नाबालिग दिखा दिया, किसी को नई ग्राम में रहते हैं ऐसा बताया गया है। ठीक, क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि जिलाधिकारी इस पर सक्षम अधिकारी से जांच करावें और इसका सही न्याय हो। हमारे गांव के लोगों का नाम निकल गया है। किस ग्राम सभा? ग्राम सभा कुरही विकास खंड महाराजगंज। इसमें वर्तमान प्रधान अनिल यादव जो है लेखपाल और बीएलओ को रिश्वत देकर के मूल निवासियों का नाम निकाल दिया। कितने लोगों का नाम कर रहे हैं? लगभग 250 लोगों का नाम निकाल दिया गया है मतदाता सूची से। किस बेस पे निकाला गया? नाम कटवाया गया लोगों का नाम शामिल किए थे अनिल यादव और उन लोगों का नाम कटने के जोड़ने के लिए परसेंटेज बढ़ गया और परसेंटेज जब जनसंख्या के हिसाब से बढ़ गया तो आदेश हुआ तहसीलदार साहब के नाम 70% पे आना चाहिए। तो प्रधान जी जो है लेखपाल और बीएलओ से मिल करके जो यहाँ के लोग वर्तमान में है पूरा का पूरा परिवार ही गायब कर दिए हैं, नाम काट दिए हैं और उसी को जुड़वाने के लिए हम लोग डीएम साहब के यहाँ आए। आजमगढ़ शहर के शिवली इंटर कॉलेज और शिवली डिग्री कॉलेज में चल रहे 21वीं आजमगढ़ पुस्तक मेले में जनपद निवासी आईपीएस प्रताप गोपेंद्र की लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया। इस दौरान डिग्री कॉलेज के सभागार में आयोजित विमर्श में साहित्यकारों, अधिकारियों और इंटर कॉलेज में पुस्तक मेला में छात्र छात्राएं उमड़ पड़े। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से जनपद निवासी आईपीएस प्रताप गोपेंद्र की लिखित पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक प्रताप गोपेंद्र यादव ने कहा कि अब इतिहास लेखन की श्रृंखला आरंभ होगी और शहरनामा सीरीज से आजमगढ़ के इतिहास की पुनर्प्रस्तुति होगी। जानकारी ने कहा कि आजमगढ़ का इतिहास गौरवशाली है लेकिन वर्तमान तभी बेहतर बनेगा जब जिले का युवा अपने समय के इतिहास को पुनः प्रस्तुत करेगा। द्वितीय सत्र में मुख्य अतिथि डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि साहित्य मनुष्य के मस्तिष्क में विवेक निर्मित करता है। इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अलाउद्दीन, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद नोमान सीए, शिवली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य निसार अहमद, डीआईएस डॉक्टर वीके शर्मा, बीएससी अमरीश कुमार, डॉक्टर शफी उज्जमान, हरिशंकर राही, साहित्यकार जगदीश चंद्र बनवाल कुंद ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के अंतर्गत रविवार 21 जनवरी को बूंद दिवस का आयोजन कर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। अभियान के अंतर्गत बनाए गए 2402 बूथों को जिला महिला चिकित्सालय पर बनाए गए बूथ से उद्घाटित किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एके मिश्रा ने बूथ का उद्घाटन किया, नौनिहालों को पोलियो रोधी ड्राप की खुराक पिलाते हुए अभियान का शुभारंभ किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एके मिश्रा ने बताया कि इस बार कुल 6,53,290 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के सापेक्ष बूथ दिवस पर कुल 3,49,893 बच्चों ने दवा की खुराकें ली जो लक्ष्य का 54% रहा। आजमगढ़ शहरी क्षेत्र में 62%, ठेकमा ब्लॉक में 62% बच्चों ने बूथ दिवस के दिन ही पोलियो रोधी दवा की खुराकें ले ली। अजमतगढ़ व मेनगर में स्थित थोड़ी खराब रही, यहां क्रमशः 46% व 47% बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई गई है। उन्होंने बताया कि 100% लक्ष्य के लिए अब टीमें डोर टू डोर जाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराकें पिलाने का काम करेंगी। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना।
अपने घर मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक पेंट पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी साउंड प्रूफ एनर्जी सेविंग फायर रेजिस्टेंट वाटर प्रूफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस रोडवेज सिविल लाइन्स आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें 3D वॉलपेपर 5D वॉलपेपर डिजाइनिंग वॉलपेपर किचन बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी पेसमेकर कैथेटर एब्लेशन ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड फ्लश डोर डिजाइनर डोर PVC डोर फोर माइका फैंसी हार्डवेयर किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।